रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के अटूट बंधन की निशानी है, जिसे सदियों से ही मनाया जा रहा है। भाई बहन के विश्वास को बनाए रखने वाला ये पावन त्यौहार श्रावण मास के पूर्णिमा में मनाया जाता है। दर्शकों, आज के प्रसंग में हम जानेंगे कि ये अनोखा त्यौहार आखिर क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जा रहा है। इस पावन त्यौहार को मनाने के पीछे कई प्राचीन कथाएं प्रचलित हैं। तो शुरू करते पहली कथा भगवान नारायण से। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्य राजा बलि ने 110 यज्ञ पूर्ण कर लिया था, जिस कारण देवताओं का डर बढ़ गया कि राजा बलि अपनी असीम शक्ति से स्वर्ग लोक पे अपना अधिकार न कर ले। इसीलिए सभी देवताएं भगवान विष्णु के समक्ष रक्षा के लिए पहुंचे। तब श्री नारायण ने अपना वामन अवतार लिया और राजा बलि के पास जाकर उनसे भिक्षा मांगी। भिक्षा में बलि ने 3 पग भूमि देने का निश्चय किया। तब श्री नारायण ने 1 पग में स्वर्ग और दूसरे में पृथ्वी को लिया। जब राजा बलि ने 3रा पग आगे बढ़ते देखा तो वे सोच में पड़ गए और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर राजा बलि ने अपना सर वामन देव के चरणों के नीचे रखा और ये कहा कि हे वामन देवता, आप अपना 3रा पग मेरे सर के ऊपर रख दे। ये सुन के श्री हरि नारायण बहुत ही खुश हुए और बलि के समक्ष प्रकट हुए उनके असली स्वरूप में। फिर उन्होंने राजा बलि को ये वरदान दिया कि वे हमेशा पाताल लोक में ही राज करेंगे। राजा बलि से भगवान विष्णु ने जब कोई वरदान मांगने के लिए कहा, तब बलि ने अपने भक्ति से श्री नारायण से सदैव अपने सामने रहने का वचन लिया। तब भगवान श्री नारायण को राजा बलि का द्वारपाल बनना पड़ा, जिस कारण देवी लक्ष्मी चिंता में पड़ गई, क्योंकि वे भगवान श्री हरि नारायण को वापस वैकुंठ धाम लाना चाहती थी। तब उन्हें एक दिन नारद जी से इस समस्या का समाधान मिला। फिर एक दिन श्रावण मास के पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी पहुंचे राजा बलि के पास पाताल लोक। माता लक्ष्मी राजा बलि के पास जाकर उन्हें अपना भाई मानकर उनके कलाई में राखी बांधी और उन्हें अपना भाई बना लिया। जब राजा बलि उन्हें कुछ उपहार देना चाहते थे तो उस उपहार में माता लक्ष्मी ने उन्हें के स्वामी श्री हरि नारायण को वापस मांग लिया। बलि अपनी बहन माता लक्ष्मी की ये बात को टाल ना सके और उनकी बात मान ली और तब माता लक्ष्मी श्री हरि नारायण को अपने साथ वापस वैकुंठ धाम लेकर आ गई। रक्षाबंधन की एक कथा जो बहुत ही प्रचलित है वो महाभारत काल से जुड़ी हुई है, जब भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध अपने सुदर्शन चक्र से किया था तो गुस्से में सुदर्शन चक्र चलाने की वजह से उनकी उंगली से बहुत ही रक्त बहने लगा था। तब पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने अपनी साड़ी का किनारा चीरकर श्री कृष्ण की उंगली में बांध दिया। तब भगवान कृष्ण ने ये वचन दिया द्रौपदी को कि वे आजीवन द्रौपदी की रक्षा करेंगे। इसी ऋण को चुकाने के लिए द्रौपदी के चीर हरण के समय श्री कृष्ण स्वयं चीर के रूप में आए थे और द्रौपदी की सम्मान की रक्षा की थी। तो दर्शकों, ये थी रक्षाबंधन की कथाएं। इसी के साथ इंडियन मिथोलॉजिकल टेल्स की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।